अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। कैसे हैं आप नाज़रीन? आज फिर से मैं आपके लिए एक जो टॉपिक लेके आई हूँ, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा वो एंगर होगा। अगर आपने मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम देखा हो तो उसके अंदर हम एंगर इन चिल्ड्रन उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाज़रीन, एंगर गुस्सा इंसानी फितरत का एक बहुत ही एक इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। इंसान के अंदर लगभग 27 जज्बात पाए जाते हैं जिनमें से गुस्सा एक है। गुस्सा नेगेटिव भी हो सकता है और गुस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम एंगर की पॉजिटिविटी के बारे में देखें तो ये भी देखा गया है कि एंगर के अंदर आके हम बहुत से ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि वैसे नामुमकिन हो। अच्छे कामों की बात मैं कर रही हूँ। इस मौजू पे ज़्यादा गुफ्तगू करने के लिए एक दफ़ा फिर से मेरे साथ डॉक्टर सादिया गुल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा हमने एंगर को डिस्कस किया इन चिल्ड्रन, इस दफ़ा हम एंगर को इन एडल्ट्स और इन टीनेजर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एंगर के बारे में जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स से व्यूअर्स को आगाह किया है कि एंगर कैन बी गुड, एंगर कैन बी बैड। एग्जैक्टली, यहीं से आपकी बात को लेके ही मैं चलना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए। स्पोर्ट्स में सबसे बेहतरीन मिसाल है कि एंगर इज़ यूज टू पक योर सेल्फ अप और उसमें आप कम्पीट करते हैं एंड इट कम्स आउट एज अ गुड रिजल्ट। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर नाज़रीन की जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि अगर हम बड़े ओपन माइंडेडली देखें तो हम ये नहीं कभी कह सकते कि एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन। इट कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल्स इन आर लाइफ। ख़ासतौर पे ये देखा जाता है जैसे डॉक्टर साहब हमारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, हमारे हॉकी के मैचेस होते हैं, या डिफरेंट विंबलडन वगैरह होता है जी। इसमें एक बात और भी जिस पे हमने शायद पिछले प्रोग्राम में भी जोर दिया था कि एंगर इज़ एन इमोशन, जैसे आपने कहा। जी बिल्कुल, तो वो एक नेचुरल फीलिंग है और फीलिंग को सप्रेस तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर बिहेवियर व्हाइल यू आर एंग्री। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये हाउ वी टेक इट, यानी इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हमारे पर फिजिकली ये इफेक्ट करता है, इसकी वही बात आ जाती है कि ये नेगेटिवली बहुत बुरा इफेक्ट कर सकता है एंड इट कैन हैव द पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो। फिर एक और चीज़ ये भी देखी गई है डॉक्टर साहबा कि कुछ लोग जो होते हैं उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। कुछ लोग होते हैं वो आप कुछ भी कर लें, देयर काम एंड क्वाइट, प्रॉबेबली दे नो हाउ टू डील विद देयर एंगर, जबकि कुछ सम पीपल जस्ट बस्ट आउट। बिल्कुल, एक नी जर्क रिएक्शन आता है कुछ लोगों से। बिल्कुल, वो बिल्कुल, सोचते बिल्कुल नहीं हैं और पहले करते हैं और मोस्टली देखा कि बाद में दे रिग्रेट इट आल्सो। जी देयर इज, ये बिल्कुल भी आपने आता सही है कहा बीच में। कि तो एक चीज़ तो इसमें अगर कॉजेज को आप देखें तो टेम्परमेंट काउंट्स जो टेम्परमेंट काउंट्स। जेनेटिकली होता है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, टेम्परमेंट तो शायद चेंज नहीं हो सकता लेकिन बिहेवियर फिर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एंगर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बस हम ऐसे ही हैं तो हमें तो गुस्सा आता है, यू डील विद इट। नहीं ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसमें नाज़रीन ये है कि रिसर्च से और बाकी चीज़ों से ये पता चला है कि जो एंगर है दिस इज़ आल्सो जेनेटिकली डिटर्मिंड और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पैदाइश से ही उनके अंदर कुछ उनका जो टेम्परामेंट है वो तेज़ होता है देन द अदर। ये आपके एग्जैक्टली, और फिर एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क आता है। आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँ, आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया जी कि अगर वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले तो देखते हैं, जी जी अगर जी जी वहाँ पे एंगर ज़्यादा देखें और उसके एग्रेसिव एक्सप्रेशन को देखें तो वो सीखते हैं, जी बिल्कुल 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 और बिल्कुल या फिर कोई ऐसे स्ट्रेसेस हों उनकी फैमिली में, जैसे उन पेरेंट्स पर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है, कोई ग्रीफ हो जाता है, तो बच्चा उसको एक्सप्रेस एज एंगर कर क्योंकि वो उस कन्फ्यूजन में चला जाता है। तो हम चूंकि एडल्ट की बात कर रहे हैं लेकिन एडल्ट एंगर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी भी जो रूट्स हैं वो जाके चाइल्डहुड से आप यू कैन फाइंड देम चाइल्डहुड से आउट ही देयर। डॉक्टर साहबा हम लोग हर चीज़ का अगर आप साइकैट्री में देखें तो बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनका जो रूट कॉज होता है वो बचपन ही होता है। बिल्कुल और जैसे अभी मैं बता रही थी कि जो एंगर है इसके अंदर हमारे जेनेटिक्स देन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कल का बच्चा आगे का जाके जवान और फिर वो एडल्ट इंसान जी बनता है। बिल्कुल, और चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जिस पे हम आगे भी जाके बात करेंगे, जी जी तो वो फिर बाद में जो एडल्टहुड में और लेट एज में एंगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड जिसे कहते हैं हम प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन, वो जी बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप हाँ इसको प्रिवेंट करें और इसको कंट्रोल कर लें।
नाज़रीन, जो गुस्सा है इसके ना ही सिर्फ हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं बल्कि फिज़िकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गुस्सा, व्हेन वी टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव टर्म, ये आपका ब्लड प्रेशर भी राइज कर सकता है, आपको स्ट्रोक भी हो जी सकता बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि गुस्से की हालत में, व्हेन यू आर इन एन एंगर टेंट्रम कह लें आप, या एग्रेशन में, ड्यूरिंग द एग्रेशन टेंट्रम एंड 2 आवर्स आफ्टर दैट, आपका स्ट्रोक का जो रिस्क है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। वाह, तो विच इज़ वेरी रिस्की, यानी उस दौरान भी हो सकता है, इसलिए आपने देखा बिल्कुल सही गया, ये तो कहा देखे ना, कि ये तो हमारी एक, मेरा ख्याल है कि बहुत से घरों में भी ये देखा जाता है कि अल्लाह रहम करे कि अगर बहुत कभी किसी को गुस्सा चढ़ जाता है कि, या ख़ास तौर पे ये एक लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी 40+ में ज़्यादा देखा जाता है कि एंगर इज़ अनकंट्रोल्ड, वो इंसान लड़ते लड़ते या तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्ट्रोक का अटैक हो जाता है क्योंकि आपका बीपी इतना हाई हुआ होता है कि इट बिकम्स डिजास्टर्स फॉर द पर्सन, बिल्कुल, इट कैन एंड इन ट्रेजिडी। इट कैन एंड इन एग्जैक्टली ट्रेजेडी। हार्ट अटैक जी इज अनदर बिल्कुल, ट्रेजेडी दूसरा विच है गुस्सा सीपी लीड्स बिल्कुल, टू। उसके अलावा आप देखें इम्यून सिस्टम वीक हो जी जाता है, बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल। तो ये भी इसका एक तो नाज़रीन देखें, ये देखा जाता है कि जो गुस्सा है ये बहुत सी चीज़ों को, बहुत फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या डिजीज़ को ट्रिगर डाउन करता है, लाइक हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। सो वी शुड नो हाउ टू डील विद एंगर इन सच अ मैनर कि ये आपके ऊपर फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ या डिजीज़ जो हैं ये ना आ सकें और उसको हम इन चीज़ों को रोक सकें। जैसे देखें, जब हम सोशो कल्चरल चीज़ों की बातें करते हैं तो ज़िंदगी के रॉक अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। समटाइम्स देर एंगर अगेंस्ट किसी अपने रिश्तेदार के ऊपर आपको गुस्सा होता है, किसी दोस्त पे गुस्सा होता है, या किसी ऐसे जो आपके इर्द गिर्द के हालात हैं उनके ऊपर गुस्सा होता है जो कि आपने अंदर रखा होता है और जब वो निकलता है तो वो बिल्कुल आपको खुद को डैमेज कर जाता है, डॉक्टर साहब, सप्रेस्ड एंगर जिसको कहते जिसे हैं हम ना, सप्रेस्ड एंगर और कहते आप हैं। देखिए अमूमन हम लोग भी, और हमें भी यही सिखाया गया है कि इस एंगर को सप्रेस कर रहे हैं एज अ फीलिंग, जी विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल सही, क्योंकि वो, और जैसे आपने जिन फिजिकल कंडीशंस की बात की, ये भी हो सकती हैं। इसके अलावा देखें, इट कैन लीड अ पर्सन, जब कॉन्स्टेंट एंगर में रहेगा, उसके अंदर रहेंगी, तो वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स की तरफ चला जाता है, बिल्कुल सही, लाइक सब्सटेंस अब्यूज़ होगा, या वेट बढ़ जाता है, ख्याल नहीं करते डाइट का, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो दैट कैन ऑल्सो हार्म हेल्थ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेल्फ डॉक्टर साहब। डिस्ट्रक्शन। ये एग्जैक्टली वाकई देखा गया कि कुछ लोग डॉक्टर साहब गुस्से के अंदर बेतहाशा खाना खाना शुरू कर देते हैं बिल्कुल और या दे टोटली स्टार्ट इग्नोरिंग देम सेल्फ, एक्सरसाइज बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे और दूसरों पे एग्जैक्टली, लैश आउट कर जाते तो हैं। रिस्की बिहेवियर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा देखिए आप, इकोनॉमिक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जॉब में मसले पड़ जाते हैं, पीपल लूज देयर जॉब्स गुस्से की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है। कई दफ़ा तो अगर यंग एडोलसेंट्स में गुस्सा ज़्यादा हो तो स्कूल ड्रॉप आउट्स देख लेते हैं, एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते, बिल्कुल तो विच इज़ अ वेरी इकोनॉमिकली, ज़ाहिर है फैमिली के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन जाता है। उसके अलावा सोशल, तो आपने अभी कहा ही, जैसे रिलेशनशिप्स में मसला बनता है, तो एंगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेशनशिप्स को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली, ये तो डेफिनेटली डेफिनेटली जी। डॉक्टर साहब, ये जो हम जिस बात कर रहे हैं एंगर की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये तो एक, जैसे हमने पहले भी बात की, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन और हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिवली अगर ड्रॉन करें तो इट कैन लीड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग, जैसे आपने जी बिल्कुल करेक्टली बताया था कि टीम स्पिरिट को बिल्कुल इंक्रीज बिल्कुल करता सर, है, और अगर हम नेगेटिव तरीके से चले जाएं तो वो एक इंडिविजुअल के लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने सप्रेशन की बात की, एक तो सप्रेस्ड एंगर होता है कि जी जिसमें उसको दबा दिया जाता है एज अ फीलिंग, लेकिन वो निकलता है एज, देखिए, सार्कज़्म के सूरत में निकल आएगा, या मीननेस होगा, यू विल बी मीन टू द अदर पर्सन, क्योंकि अंदर एक गुस्सा दबा हुआ तो है, तो वो किसी सूरत तो निकलेगा, या जेलिसी हो जाएगी, इस तरह के बिहेवियर जो है वो बहरहाल नेगेटिव ही रहेगा, आपने बिल्कुल चाहे सही खुल कहा के ना हो। कि जब ये सप्रेशन में गुस्सा आता है, चाहे कोई भी वजह क्यों ना जी हो, बिल्कुल तो ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर इतना अफेक्ट करता है कि वो द पर्सन हु इज़ जिसके अंदर ये गुस्सा सप्रेस हुआ हुआ है, या तो उसकी पर्सनालिटी के अंदर सार्कैज़म बहुत बढ़ जाएगा जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, या कि वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाएगा, एक अनप्लेजेंट इंसान यानी बिल्कुल सोशली। जी डॉक्टर साहब, उसमें फिर ये है कि बहुत एक छोटा सा ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा गुस्से की सूरत में आ जाएगा, वो अपेरेंटली आपको लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन ट्रू
एक्चुअली इट्स द सप्रेस्ड एंगर जो स्टफ हुआ हुआ है अंदर. सो डेफिनेटली जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर ऐसी कोई हालात हो जाए तो वो रिलेशनशिप्स के अंदर, तो जैसे रिलेशंस आपने में तो कहा कि बिल्कुल, वो क्योंकि इट डज पुट रिलेशनशिप्स ऑन डेंजरस लेवल, एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होता है. मुश्किल हो जाता है। दूसरी सूरत में देखिए इसका ऑपोजिट ये है कि बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं लोग, जो कि अगेन इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, के वर्बली यू आर वायलेंट, यू हर्ट अदर पीपल पर्सन, या आप फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं लोग, विच इज़ अगेन डेंजरस. तो ये दोनों सूरतें मेरा ख्याल है, एग्रेशन भी और सप्रेशन भी, जो है दे आर दे आर द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. वर्स्ट, बिल्कुल आपने सारे जी दस इज वर्स्ट पार्ट ऑफ एंगर। तो आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब कि हाउ टू डील विद सप्रेशन एंड एग्रेशन? देखिए, एग्रेशन का तो यह है कि वो तो बिहेवियर है, एंड जी बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड. लेट्स ठीक मेक दिस क्लियर फर्स्ट. ठीक कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, जैसे पहले हमने बात की कि नहीं हो सकता, वो हो सकता है. उसके लिए यू हैव टू रियलाइज फर्स्ट कि ये जो बात है इस पे क्या इज़ इट वर्थ गेटिंग एंग्री. दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आर दे हर्टिंग दो अदर पर्सन. क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत जनरलाइजिंग और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं जब गुस्से में होता है, कि जैसे यू ऑलवेज डू दिस, यू ऑलवेज डू, और एक और डॉक्टर साहब के यू आर ऑलवेज लाइक दैट, यू नेवर डू यू दिस, नेवर डू यू दिस. नेवर, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो बिल्कुल वो सही नेवर कहा। ऑलवेज तो नहीं हो नहीं सकता, लेकिन वो चूंकि उसमें चलता, दैट एस्केलेट्स द सिचुएशन. क्योंकि राइट दूसरा जो शख्स है वो भी, उसमें भी एंगर एज इमोशन तो मौजूद है, तो वो भी कुछ कुछ ज़ाहिर रिएक्शन उसमें होती है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ख्याल है इंडिविजुअल की अपनी है कि उसको किस तरह से सो कंट्रोल डॉक्टर साहब, करें. इसका मतलब ये है कि जो हम अगर बात करें एग्रेशन की और सप्रेशन की, तो एग्रेशन में बहुत हद तक नाज़रीन ये है कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट आपको करनी है, ये देखना है कि आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत दफ़ा देखा जाता है कि कोई इंसान गुस्से में है तो अपने रिश्तेदारों को या रिलेशन को कहते हैं, मैं तो हूँ ही ऐसा, डील विद मी, इफ़ यू लाइक एग्जैक्टली मी डील विद मी, बट दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग, जी दिस जी इज़ वेयर जी दैट पर्सन इज़ रॉन्ग, बिकॉज देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा इतनी जगह होती है कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें और आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा प्रवोक कर रही है टुवर्ड्स एंगर, और आपका ये जो एंगर है ये आपके रिलेशंस को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। व्यूअर्स, विद दिस वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट डोंट गो अवे, स्टे विद अस, बिकॉज इसके बाद हम वापस आएंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप एंगर को कैसे मैनेज करेंगे, आपकी सेल्फ असेसमेंट क्या होगी, एंड हाउ कैन यू योर सेल्फ हेल्प योर सेल्फ। स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन हेल्प आर सेल्व्स एज फार एज एंगर इज कंसर्न। तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए चंद चीज़ें हैं जो कि यू नो वी एज एडल्ट्स हम लोग खुद अपने ऊपर वो कर सकते हैं, जिनमें से एक है रिलैक्सेशन, देन देर इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा यू नो वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर कम्युनिकेशन, देर इज़ ह्यूमर, एंड देर आर सम एनवायरमेंटल चेंजेस। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी समरी दे दी, लेकिन इनके बारे में हम ज़रा एलेबोरेट बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि जब हम कहते हैं कि जी आपको गुस्सा है तो यू यू नीड टू रिलैक्स, अब जब हम किसी को कहते हैं यू नीड टू रिलैक्स, तो उस रिलैक्स करने का मकसद क्या है या मतलब क्या है, वो रिलैक्स कैसे कर सकता है? तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये जब हम कहते हैं कि रिलैक्स योर सेल्फ, तो वट इज़ इट एक्चुअली वी आर इम्प्लाइंग? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिलैक्स हो सकते हैं. देखें, आप अगर गौर करें तो गुस्सा आने से पहले चंद फिजिकल अलामत होती हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है. जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सम पीपल दे एक्चुअली स्टार्ट शेकिंग, या एकदम वार्म्थ की फीलिंग होती है, स्वेटिंग हो जाती स्वेटिंग है, हो जाती क्लेंचिंग है, ऑफ टीथ स्टरिंग, हो, वो मतलब आप उसका जी स्टेमर करना शुरू कर देते क्लेंचिंग हैं, ऑफ टीथ क्लेंचिंग हो ऑफ जाती टीथ हो है, जाती या है। मुट्ठियाँ हाँ भींच लेते हैं, तो वो आपको फिजिकली समझ आ जाती है. और एक एडल्ट के लिए तो ये समझना बहुत आसान है कि मुझे गुस्सा आ रहा है. तो जिस वक्त गुस्सा आने लगे, देखिए हमेशा पहले करना बेहतर होता है, प्रिवेंशन हमेशा बाद. कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले तो मेरा ख्याल ये है कि उस सीन से हट जाना बेहतर है, बिकॉज इट विल काम यू डाउन. चेंज ऑफ सीनरी इज ऑलवेज वर्क्स.
क्योंकि वो लेकिन यार डॉक्टर एनवायरनमेंट साहब का ही एक मैं होगा। आपको बताऊं कि आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हमें गुस्सा आता है तो वी आर सो एडमेंट दैट वी डोंट वांट टू लीव दैट प्लेस, एग्जैक्टली, ये बात आपने कि हालांकि जानते बूझते हुए कि पता जानते है गुस्सा बूझते आ हुए रहा वो कहते है। हैं ना कि वी नो दैट दिस इज ब्रिंगिंग द वर्स्ट आउट ऑफ अस, हम अवेयर होते हैं कि ये गुस्सा इज ब्रिंगिंग द वर्स्ट आउट ऑफ अस, एंड प्रॉबेबली उस वक्त गुस्से के अंदर हमारे मुंह से वो अल्फाज भी निकल रहे होते हैं जो हम बोलना भी नहीं चाहते, बट वी डू नॉट लीव द ग्राउंड, सो इट नीड्स अ लॉट जी ऑफ करेज और हिम्मत एंड अवेयरनेस दैट वी नीड टू रिलैक्स एंड चेंज द जी ग्राउंड्स. बिल्कुल, उसमें देखिए सबसे पहले मेरा ख्याल है दो चार चीज़ें, रिलैक्सेशन तो अपनी जगह है। एक तो कहते हैं डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें, डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि आपकी हार्ट बीट वापस अपनी जगह पे आती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो यू रिलैक्स। फिर एक रिलैक्सिंग मंत्रास हैं जो आप बोल सकते हैं कि नो इट्स ओके इट्स ओके, इट्स आई नॉट द एंड कैन, ऑफ द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, इट्स नॉट दैट। सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ के जिस इंसान को आप गुस्सा करने जा रहे हैं उसकी रिलेशनशिप आपके लिए क्या मायने रखती है। यू वॉन्ट दैट रिलेशनशिप और यू वॉन्ट टू गेट द एंगर आउट, यू नो, इससे फर्क पड़ता है आई एम श्योर। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू डॉक्टर साहब कि ये चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंसान हम लोग ये सोचें कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली, एंड देन क्या ये चीजें वर्थ है, क्या ये गुस्सा बिल्कुल वर्थ डॉक्टर साहब, आप है. ये सोचें, मेरा ख्याल ये सोचें, अगर उस वक्त हम ये सोच लें कि मे बी 1 month डाउन द लाइन वुड दिस इवन मैटर। Would this even matter? जी, तो इस इन लाइंस पे अगर सोचें तो आई एम श्योर द इट विल कम आउट एज अ पॉजिटिव थिंग। Again, डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ की, इस चीज़ की अवेयरनेस हो, हाउ इम्पॉर्टेंट द रिलेशंस आर, क्योंकि गुस्सा आमतौर पे रिलेशंस को ही बिगाड़ता है और उन्हीं से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन्हीं पे हमें गुस्सा आता है. लेकिन द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स इज कि आपको जो गुस्सा आ रहा है इज़ दैट वर्थ इट, क्या वो रिलेशनशिप में जो दरारें पड़ रही हैं क्या ये गुस्सा वर्थ है ये सब कुछ करने के लिए. सो जब आप ये चीज़ें चंद सोचेंगे तो प्रॉबेबली आपके जहन में खुद भी आ जाएगा, जस्ट कीप रिमेम्बरिंग टू योर सेल्फ, सेइंग टू सेल्फ दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, थिंग्स आर बेटर एंड दे आर गोइंग टू बी बेटर. सेकेंड, हम कहते हैं कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से हमारी मुराद ये होती है कि आप ये हमेशा सोचें कि हर चीज़ तबाह नहीं हो गई, एवरीथिंग इज़ नॉट रेंड, देर इज़ गोइंग टू बी अ बेटर टाइम. और ये मत कहा करें कि इट्स नेवर लाइक दैट, एग्जैक्टली, इट्स ऑलवेज लाइक लाइक दैट. दैट, एंड डोंट ब्रिंग अप द पास्ट, कोई पास्ट एग्जैक्टली, इवेंट मत लेके आइए बीच में, क्योंकि वो फिर बढ़ता जाएगा, एस्केलेट होता जाएगा। कीप इट टू द प्रेजेंट और स्टे इवेंट, फोकस्ड, वही फोकस्ड उसी इवेंट पे रहें जो उस वक्त हो रहा है, क्योंकि वही बिल्कुल है सही, ना, उसके पास्ट को लाइए ना आगे सोचेंगे ये होता रहेगा, क्योंकि ये होता कहते हैं वो रहेगा. नेगेटिव थिंकिंग की एक विशेष साइकिल बन जाती है। और डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ देखी गई है कि हम लोग अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वी ब्रिंग आर एक्सपेक्टेशंस इनटू आर डिजायर्स, दिस इज वेयर जी वी आर बिल्कुल रॉन्ग, कि वी शुड नॉट ब्रिंग आर एक्सपेक्टेशंस इनटू द डिजायर्स. जी, उससे ये होता है कि हम अज्यूम कर लेते जी हैं बिल्कुल, चीज़ें, कि ये एक तो अज्यूम करते हैं कि फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन वी एक्सपेक्ट टू मच, नंबर वन। दूसरा, उनके जो भी एक्शन है उसका हम खुद नतीजा निकाल लेते हैं, चाहे वो ना हो, वो मे बी वी आर रॉन्ग। जी बिल्कुल, सो इफ द पर्सन सेज समथिंग, आप कैन नो यू मेंट दिस, मे बी दे डिड नॉट मीन इट दैट वे। तो एग्जैक्टली. अजम्पशंस करना जो है ये बहुत मेरे ख्याल है ये नुकसानदेह होती हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये हो जाता है कि हम लोग शायद बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, एग्जैक्टली, मतलब लाइक एक डिमांडिंग नेचर हो जाता है कि भाई ये इस तरह से इसने किया है और ये ऐसा ही होगा हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉबेबली. सा मार्जिन दूसरे को दें आप, कि मे बी अगर उसने या कोई काम आपका नहीं किया जी, या कुछ किया, तो मे बी दे हैड देयर ओन रीजंस, दे इट हैड हैड देयर ओन नथिंग टू रीजंस, डू विद यू। नथिंग. सो इसमें फिर वही बात आ जाती है डॉक्टर साहब कि जैसे मैंने अभी बताया था व्यूअर्स को कि कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड. एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्पेशली रिलेशनशिप्स, लॉन्ग हाँ टर्म जी, रिलेशनशिप्स जो हैं वहाँ पे तो कम्युनिकेशन जो है, आप लॉन्ग टर्म भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए डेवलप कर सकते हैं। यू कैन हैव अ प्री प्लान्ड, यू नो, आइडियाज़ कि हम अगर गुस्सा किसी एक को आता है तो हम क्या करेंगे, एंड देन फॉलो ट्रू देम, कि ट्रू, आया हम वहाँ से हट जाएंगे, कैन वी गो फॉर अ वॉक, और वन ऑफ देम वुड गो फॉर अ वॉक और रिमूव देम सेल्व, क्योंकि आप जब सामने से हट जाएंगे तो डेफिनेटली वो गुस्सा फिर उस तरह से एक्सप्रेस नहीं होगा। और डॉक्टर साहब अगेन, एक तो हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, व्यूअर्स अपने रिलेशंस में आप याद रखें कि रिलेशन की मजबूती जो है ना वो हमेशा कम्युनिकेशन में जी डिपेंड बिल्कुल, जिस करती तरह है. आपने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, तो वी कैन हैव अ प्लान कि ओके इफ यू आर एंग्री यू कैन टेल मी, बट रिस्पेक्टफुली। एक तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट का बहुत ज़रूरी, और इन यू नो वेरी कल्चर्ड मैनर के भाई
यस आई एम मैड एट यू बिकॉज दिस एंड दिस हैपन, क्योंकि बहरहाल गुस्से एक एक्सप्रेशन तो ज़रूरी है, एक असर्टिव तरीके से वी आप उसको हैव टू एक्सप्रेस कर दीजिए जी जी सो दैट यू गेट ओवर इट. गेट इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देर इज़ गोइंग टू बी अनदर डे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. जैसे कहते हैं ना, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो देखने में बहुत बड़ी लगती हैं लेकिन उनकी हकीकत में उनकी उनकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होती जिनको हमारी एजम्पशंस बना देती हैं. इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दैट देयर शुड बी, जब भी देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन, आपके अंदर एंगर आ रहा है या यू आर बीइंग एंग्री, ट्राई टू क्रिएट अ लिटिल ह्यूमर. बाय ह्यूमर आई मीन बिल्कुल लाइट मूड, नॉट सार्केज्म. रिमेंबर दिस व्यूअर्स, के जो सार्केज्म है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमर, और जो आपके सामने जो भी बैठा हुआ है या जिसे भी आप बात कर रहे हैं वो आपके सार्कास्टिक टोन और आपका सार्केज्म एकदम से रियलाइज कर सकता है, फील कर सकता है कि दिस इज अगेन अ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन. एग्जैक्टली ह्यूमर जो है मेरे ख्याल में आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. ह्यूमर, और ह्यूमर तो बल्कि रोज़मर्रा लाइफ में होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि इट कीप्स द यू नो नेगेटिव टू लो मिनिमम, बल्कि एक मास्क का काम करते हैं. हाँ, बल्कि और सब ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा जब हमें किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा हो और जिसके ऊपर वो गुस्सा आ रहा हो, अगर वो हम बात हंस के और मजाक में भी ये करें तो ये बात डील हो सकती है, पर इसके लिए हमारी कम्युनिकेशन उस लेवल की होनी कम्युनिकेशन चाहिए. है वही जो मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म आपकी जी जी कम्युनिकेशन जो है वो रहनी चाहिए, रहनी कनेक्शन चाहिए रहना रहनी चाहिए चाहिए. उस इंसान के साथ. लास्ट बट बिल्कुल नॉट द लीस्ट इज दैट यू शुड लर्न टू चेंज योर एनवायरनमेंट, ट्राई टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट इज मोर फुल ऑफ टेंशन, बिल्कुल, या जो जहाँ पर ट्रिगर्स जो हैं कहें कुछ जो आपको ट्रिगर्स पता हैं. होता है कि एक जी जी इंसान के साथ आपको उस पर गुस्सा है या एक हाँ, एनवायरनमेंट में आपको आता है तो आप उस पर मत जाइए, उसकी तरफ मान जाए. अवॉइड कीजिए. डॉक्टर साहब, ये तो हो गए एडल्ट लोगों के अंदर जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, और लेकिन जो हमारे टीनेज बच्चे हैं आजकल तो ये बहुत देखा जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव टीनेजर्स इन देयर होम्स, और टीनेज इज ऑलवेज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एज, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि जो टीनेजर्स हैं उनके एंगर को हम लोग कैसे डील करें, और ये भी देखेंगे कि फ्रॉम दोनों नज़रियात से कि एक टीनेजर क्या चाहता है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, पेरेंट्स क्या परसीव कर रहे हैं, और इन दोनों को मिलके हम कैसे उनकी एंगर को रिजॉल्व कर सकते हैं, और मेकिंग द पेरेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द किड्स एंड द किड्स ट्राइंग टू बी मोर कोऑपरेटिव विद देयर पेरेंट्स. सो विद दिस वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस बिकॉज द लास्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टीनेज प्रॉब्लम्स विद द पेरेंट्स and parents' problems with the teenagers. Stay tuned, please. Welcome back, viewers. इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स वर्सेस देयर पेरेंट्स. सो देखिए, टीन एजर्स जो हैं उनके साथ क्या वो फेस कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन मेरा एक मैसेज फॉर द पेरेंट्स ये होगा कि बायोलॉजिकली ये देखा गया है कि जो आपके बच्चे हैं जब वो टीन एज में पहुंच जाते हैं, देखने को तो वो बहुत बड़े लगेंगे, शायद प्रॉब्लम उनकी हाइट्स ही बड़ी हो जाएंगी, और दे लुक लाइक एडल्ट बट दे आर नॉट एडल्ट, बिकॉज जो आपकी ब्रेन की डिवेलपमेंट है, ब्रेन की डिवेलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब डज नॉट गेट डिवेलप्ड इन द एज ऑफ 30. यही एक वजह होती है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम उनको परसीव करना शुरू करते हैं कि ये अब एडल्ट हो गए हैं, ये बड़े हो गए हैं, बट टीन एजर्स आर स्टिल किड्स, दे आर नॉट दैट एडल्ट. वो इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप नहीं हुई होती जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा हो जाती हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि टीन एज हर इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट काम, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वक्त होता है जिसके अंदर वो बच्चे अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे होते हैं. दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज समटाइम्स दे रियली डोंट नो वेयर दे वॉन्ट टू बी,
उनके अंदर ही अपने अंदर एक जंग शुरू हुई होती है। इसके अलावा वो अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर हो रहे होते हैं कि आज हम हाई स्कूल से जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हाउ विल वी मैनेज दैट ऑल्सो, एंड दे फाइंड द टाइम इज़ नॉट इनफ। उनको हर चीज़ में लगता है कि टाइम बहुत थोड़ा है और ये चीज़ें नहीं हो सकती। एंड देन दे वॉन्ट टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, और उसका बैलेंस वो रखना चाह रहे होंगे बिटवीन द फ्रेंड्स एंड द फैमिली। सो देर इज़ अ लॉट मोर गोइंग इन द ब्रेन ऑफ अ टीन एजर देन वी एट टाइम्स कैन अप्रिशिएट। पेरेंट्स मस्ट रियलाइज दैट कि जो बच्चा उनका टीन एजर है, देखने में वो एडल्ट उनको लग रहा है, बट प्लीज़ बायोलॉजिकली उसका फ्रंटल लोब इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस लेवल में मत लेके जाएं जितनी कि एक एडल्ट से एक्सपेक्टेड होती हैं। जी डॉक्टर जी साहबा। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। उनका जो फ्रंटल लोब जो रैशनल सेंटर है जी वो जी अभी डेवलप नहीं है, बल्कि वो इमोशन सेंटर से ही अभी तक काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही तो पेरेंट्स अमूमन स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ का कि हमारा वो बच्चा कहाँ गया जो अचानक बड़ा हो गया उनके ख्याल में, शायद कद में आप ठीक कह रही हैं उनसे लंबा ही हो गया। तो वो भी बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और कुछ जो चेंज आता है जिस बिहेवियर की आप बात कर रही हैं कि उनमें ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने हैं इसी फेज़ में, जैसे यूनिवर्सिटी जाने के, इवन देखें जॉब शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, सेपरेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर दे गेट मैरिड इवन हैव चिल्ड्रन। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी फेज़ में होती हैं और फ्रंटल लोब अभी उनका इतना डेवलप नहीं है बिल्कुल आपने जब सही स्टार्ट फरमाया है। बिल्कुल तो कुछ जो रिएक्शंस हैं और कुछ जो उनका बिहेवियर है, टीनेज बिहेवियर जिसको हम कहते हैं टिपिकल, वो नॉर्मल होता है। जी तो उसके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा जो पेरेंट्स एकदम से रिएक्ट करते हैं वो अगर उसको समझ लें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है। जैसे एक बड़ा टिपिकल टीनेज बिहेवियर है कि वो अटेंशन आपकी तरफ नहीं देंगे, यू कीप कॉलिंग देम दे वुड नॉट आंसर, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट उनके डेवलप हो गए हैं। क्योंकि बेसिक उनका एक जो स्ट्रगल शुरू होता है टीनेज में वो, चूँकि दे फील इंडिपेंडेंट लेकिन अथॉरिटी फिर भी पेरेंट्स की, तो वो पेरेंट्स की अथॉरिटी को एकदम से चैलेंज कर रहे होते हैं मे बी सब कॉन्शियसली। मे बी डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि सबकॉन्शियसली वो कर रहे थे, बिकॉज पेरेंट्स ने कुछ नॉर्म्स रखे होते हैं घर के, कुछ असूल रखे होते जी हैं, बाउंड्रीज होती हैं बाउंड्रीज कुछ बिल्कुल, होती हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एंड दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दोज क्योंकि वो बाउंड्रीज। अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जी बेसिकली। बिल्कुल तो वो एक तरह से फिर इंटरेस्ट उनके चूंकि डिफरेंट है, वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट उनका अब है चूंकि ज़ाहिर है वो फ्रेंड्स में, जैसे आपने कहा बिल्कुल फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं टीन एज में। बल्कि एक सर्वे के मुताबिक मैं पढ़ी थी कि मोर देन 80% टीनेजर्स ने ये कहा कि फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो वो अपने फ्रीडम भी मांगते हैं क्योंकि दे वांट टू बिल्कुल। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, तो तब भी उनको फिर बाउंड्रीज और कर्फ्यूज जो हैं वो थोड़ा और फिर सा इस वक्त में पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस जो है ना डॉक्टर साहबा, वो काफी कम होती जाती है। लगती है कि कम है अपेरेंटली। आई थिंक आई वुड स्लाइटली डिफर डॉक्टर साहबा कि आई थिंक द टीन एजर स्टिल वॉन्ट्स यू एट देयर बैक, लेकिन वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं मांगते। राइट, तो बिकॉज हैं तो वो, जैसे आपने कहा, दे आर स्टिल नॉट एडल्ट्स। दे आर स्टिल नॉट हाँ, तो एडल्ट, वो आपकी सो बैकिंग जरूर मांगते हैं। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है इफ़ दे आर डिटैच वी आर ऑल्सो, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। आई थिंक द फर्स्ट थिंग फॉर द पेरेंट्स टू डू इज टू स्टे एट देयर बैक बट एक्सेप्ट दे आर अ टीन एज, दे दे आर आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, टीनेजर्स, दे आर कुछ स्ट्रगलिंग। नॉर्मल उनकी और होंगी। जैसे डॉक्टर साहब से बात हो रही कि टीनेजर्स की थोड़े से देखा जाता है कि टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, जैसे वो ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं, पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं कि क्या बात है, ये बच्चा सो रहा है, इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, कमरा बहुत मैसी किया हुआ है, वार्डरोब बहुत मैसी की हुई है, और बार बार पेरेंट्स बुला के कह रहे होते हैं ये काम करो। तो एक्चुअली ये नहीं कि दिन दे निकलते जाते हैं आर ट्राइंग टू अवॉइड देयर पेरेंट्स, बट उनके अंदर अपनी एक इंडिपेंडेंस की एक जंग छिड़ी हुई है जिसको वो डील करना चाहते हैं। उनकी इस वक्त थोड़ी सी लेट मी पुट इट इन दैट वे कि प्रॉबली द मोर इम्पॉर्टेंस इज दैट दे आर गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स जी देन एट बिल्कुल। दूसरा होम। वो अपनी फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं कि वी आर जी लाइक यू फ्रीडम। नो इंडिपेंडेंट हैं हम। जी 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 जैसे आपने जी देखा होगा कि टीनेजर्स दे स्टार्ट लाइंग टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो, या थोड़ा सा छुपाने लगते हैं बातें, एंड दे डोंट लाइक यू नो कि उनसे बहुत सी चीज़ें पूछी जाएँ कि कहाँ गए थे, क्या किया, किस, बिकॉज इसकी प्रॉब्लम ये वजह नहीं होती कि दे वॉन्ट टू लाई, दे जस्ट वॉन्ट दैट इंडिपेंडेंस एंड यू नो एंड दे वॉन्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर ओन, कि हमारी अपनी एक अलग लाइफ है पेरेंट्स और से। डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि टीन एज के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी शुरू कर देते हैं, चाहे वो जिस तरह वन व्हीलिंग आप कह लें, या दे वांट टू डू सच थिंग्स जो कि पेरेंट्स जिस चीज़ से उनको रोकते रहे हैं, या पेरेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रोटेक्शन
फॉर देयर फ्रीडम, जी बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंटिंग बहुत करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग बहुत बिल्कुल करते हर हैं, चीज़ से, और रिस्क चूंकि नहीं, क्योंकि वो रैशनल सेंटर तो अभी डेवलप नहीं है, जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल फिजिकली दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही वो कहा, करते हैं। और इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ का भी बहुत चांसेस होते हैं सब्सटेंस के, क्योंकि वो ट्राई करेंगे, क्योंकि पीयर जिस तरह, जैसे फ्रेंड्स क्योंकि इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, तो पीयर प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अंदर डॉक्टर साहब हमने चलिए ये तो देख ली चंद चीज़ें जो कि हमें टीन एजर्स के अंदर आमतौर पर नज़र आ रही होती हैं, जिनमें से अगर हम उनको न्यूमिरेट करें तो ये पता चलता है कि देर इज़ लैक ऑफ अटेंशन, दे डू नॉट गिव मच टाइम एट होम, कमरे को अपने मैसी रखते हैं, दे आर डिसऑर्गेनाइज, ज़्यादा सोते रहते हैं, और शायद माँ बाप से छोटे मोटे झूठ बोल के घर से भी बाहर चले जाते हैं, और दे लव टू टेक रिस्क, जो कि आमतौर जी पर उन्हें हम बिल्कुल, रिस्क नहीं, पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव और वो अपने बच्चों को कई चीज़ों से रोकते हैं, जी बिल्कुल, कर्फ्यूज पसंद नहीं लेकिन करते, कर्फ्यूज पसंद नहीं बाउंड्रीज करते। दे डोंट अच्छा, लाइक। ये चीज़ें तो आ गई डॉक्टर साहब एज फ्रॉम अ टीनेजर पॉइंट ऑफ व्यू। अब जी जो पेरेंट्स हैं, लाइक हाउ शुड अ पेरेंट डील विद द टीनेजर्स? हाँ जी, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द पेरेंट्स शुड नो, कि किस तरह, एक तो ये पता अवेयरनेस होना कि ये नॉर्मल रेंज में है बिहेवियर, कि ठीक, बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लम कब बनता है। जी, तो अगर बिल्कुल, तो वो नॉर्मल रेंज में, और अब यकीन कीजिए पेरेंट्स को पता चल जाता है, इफ़ द पेरेंट्स आर विजिलेंट इनफ, कनेक्शन है उनका किसी ना किसी सूरत अपने पेरेंट उस पर, टीन पे नज़र है उनकी, तो पता चल जाता है जहाँ अब नॉर्मल बिहेवियर हो। तो थोड़े से वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे अगर वो ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स हैं, और ये स्टेज आपको लगता है कि नहीं, जैसे 13-14 की एज से शुरू होती है, लेकिन 18-19 तक कम हो जानी चाहिए, कम नहीं हो रही, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल आराम होने की ज़रूरत है। या अगर कुछ टीन्स जो होते हैं वो अलग रहना शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे कहा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एंड इफ दे स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स एंड देन दे आर, यू नो, दे लाइक टू बी अलोन, दैट्स एन अलार्मिंग साइन। बिल्कुल सही, लेकिन नॉर्मल अगर बिहेवियर है, तो उसमें मेरा ख्याल है पेरेंट्स को जो करना चाहिए वो ये है कि एक तो डायरेक्टली उनको कन्फ्रंट ना करें कि ये क्या, कि उनको डायरेक्टली ये ना कहें कि ये गलत है, क्योंकि वो इस राइट, बिहेवियर को ज़्यादा मेरा ख्याल है एस्केलेट करेगा, बल्कि रेनफोर्स करता है कई दफ़ा, तो वो ज़िद में करते हैं। दूसरी जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इम्पॉर्टेंट इशूज़ को सिर्फ उठाइए। जैसे देखें, आपने देखा होगा कि एक टीनेज फैशन होता है, ख़ास तौर पे वो तरीके से वो ड्रेसअप होना चाहते हैं, या हेयर स्टाइल्स डिफरेंट करते हैं, जो पेरेंट्स को अमूमन शायद पसंद नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, एंड इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास, शायद बाद में। डॉक्टर साहब इसमें मैं आई जस्ट ऐड टू दिस कि वी फॉरगेट दैट देर वॉज अ टाइम व्हेन वी वर टीनेजर्स आल्सो, और एग्जैक्टली हम लोग भी कई ऐसी चीज़ें करते थे, मे बी हमारा ड्रेसअप होने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता होगा, शायद हेयर स्टाइल्स बहुत से लोगों ने ऐसे रखे जी होंगे, तो व्हेन डीलिंग विद आर टीनेजर्स वी शुड कीप दिस इन माइंड कि दे हैव ओपन देमसेल्फ इन टू द वर्ल्ड, लेट देम ग्रो, टीनेज देखिए ना, वो वही बात, वही पीयर प्रेशर के आगे एक ग्रुप के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, जी टीनेज फैशन तो होता है, तो जी मे भी वो आज हम भी शायद अपनी टीनेज की जो तस्वीरें देखते हैं, वी ऑल्सो लाफ एट देम, सो दे वुड ऑल्सो डू दैट। तो ये इश्यूज मेरे ख्याल को इतने बड़े नहीं हैं, तो चूज़ योर इश्यूज वाइजली फॉर द पेरेंट्स आई वुड से, कि जिस इशू पे बात बिल्कुल, करनी है डॉक्टर साहब ये भी वो। देखा गया है कि जरूरत से ज़्यादा जो हमारे एज पेरेंट्स हम जो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं तो अगेन इट कॉजेस अ लॉट ऑफ एंगर बच्चे के अंदर आ जाता है, जो कि उसके रिबेलियस नेचर का एक बहुत जुज़वी हिस्सा बन जाता है। सो एज पेरेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वेन वी आर डीलिंग विद आर टीनेजर्स वी शुड बी वेरी विजुलेंट कि हम क्या बात कर रहे हैं और हमने किस तरीके से अपने बच्चे से बात करनी है, जी बिल्कुल लेकिन इसके साथ साथ वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द चाइल्ड शुड बी मेड अवेयर ऑफ सम लिमिटेशंस, सम नॉर्म्स ऑफ द जी बिल्कुल फैमिली, कोई बाउंड्रीज हमें सेट करनी चाहिए ताकि उन बच्चों को ये पता हो कि दिस इज़ द बाउंड्री एंड आई शुड हैव वट एवर आई डू शुड बी विद इन दिस बाउंड्री। जी, एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी द पेरेंट, बी द पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट राइट, आर पेरेंट है, एंड यू हैव टू मेड द टीनेज रियलाइज के पेरेंट आप हैं, बहरहाल लिमिटेशंस हैं, नेगोशिएशन बिल्कुल कीजिए, लेकिन डोंट गिव इन। डॉक्टर साहब ये तो वही बात आती है ना कि एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, जी और बिल्कुल कल को अगर इफ़ वी डू नॉट मेक द चाइल्ड अवेयर ऑफ द फैक्ट्स जो कि हो रहे हैं तो कल को यही बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको ब्लेम करेंगे कि वी वर किड्स, यू वर द पेरेंट्स, आपको चाहिए था कि आप हमें बताते, जी बिल्कुल, और अगर आप सही हैंडल करेंगे तो यही बच्चे बड़े होके दे विल थैंक यू। दे विल थैंक यू। तो आप बच्चों से जब बात करते हुए इतने इस तरीके से बात करें कि उनको ये ना लगे कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप उनको लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं उनकी हरकतों को, सो जस्ट ट्राई टू
ट्राई टू क्रिएट अ वेरी एक फ्रेंडली रिलेशन अपने बच्चों के साथ जी रखें. बिल्कुल, क्योंकि फिर वो आपसे कम्युनिकेट करना छोड़ देंगे। जी कई दफ़ा ये देखा गया है और होता है हर एक के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि आपको अपना टीनेजर कोई ऐसी बात बता रहा है जो आपको शायद थोड़ी सी वेयर्ड भी लगे, लेकिन डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड जिसे कहते हैं ना, आप आराम से तसल्ली से बात सुनिए, अंदर आपके चाहे जो मर्जी चल रहा हो, आप ऊपर से काम रहिए, पूरी बात सुनिए, वरना वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ताकि एंड डोंट बच्चा स्टार्ट, डिस्करेज ना हो. बिल्कुल, एंड डोंट स्टार्ट जजिंग। एग्जैक्टली. सो व्यूअर्स, विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप माई प्रोग्राम. देखिए, एज पेरेंट्स तो हमारे पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी ये है कि हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सो ताकि हमारे बच्चों के साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट कीप बींग पेरेंट्स, वी शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कीपिंग द लिमिटेशंस. एक लाइन ऑफ ऑर्डर होना चाहिए जो कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए. आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा. अगर आप चाहते हैं कोई और चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो प्लीज़ नोट डाउन माई ई मेल एड्रेस, drsadhyarana@toronto360.tv. प्लीज़ अपनी राय से मुझे ज़रूर बताइएगा. इफ़ देर एनी मोर टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट, प्लीज़ लेट मी नो. इसके साथ ही थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम. सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह.